नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। किसी भी सभ्य समाज की बात करें या समाज से जुड़े किसी सभ्य मानव की बात करें, एक सभ्य मानव की पहचान उसके पहनावे, भाषा शैली के साथ ही उसके मित्रगण से हो जाती है, जो सदैव उसके माता पिता और परिवार के संस्कारों को अन्यों के मध्य प्रज्वलित करता रहता है। सोशल मीडिया पर यों तो आपत्तिजनक हज़ारों वीडियो रोजाना सामने आ जाते हैं, लेकिन हर पर संज्ञान तो नहीं लिया जाता है। लेकिन प्रजा का तारणहार ही आने वाले कलयुग का सूचक बनता नजर आए तो ऐसे में माँ सरस्वती के पुत्रों को अपने कलम रूपी हथियार को उठा उसके अंत की इबारत ऐसी स्याही से इंगित कर देनी चाहिए जो आने वाले समय काल के लिए स्वर्णिम इतिहास बन जाए। बीते कुछ दिन पहले वर्तमान नगर निगम बोर्ड के जिम्मेदार पार्षदों ने महापौर के जन्मदिन की पार्टी में हुई मौज मस्ती के किसी ने वीडियो तो किसी ने फोटो भेज पार्टी में हुए वस्त्र विहीन पार्षदों के खस्ताहाल चित्रण को लेकर अपनी मनोवृत्ति का बखान किया, जिसको लेकर हमने हमारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए महापौर का बर्थडे पार्टी तो बनती है पर कपड़े कहाँ है नामक स्लग से एक खबर का प्रकाशन किया। हालांकि खबर उसी दिन की है जिस दिन प्रतापगढ़ में एक महिला को निवस्त्र गुमाने के संदर्भ को लेकर पार्टी करने वाले पार्षदों ने राजस्थान की मौजूदा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए महिला सशक्तिकरण का ढोल भी पीटा था। तत्पश्चात सभी पार्षदों ने महापौर की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन को लेकर अपने ही बीजेपी बोर्ड के पार्षद छोगालाल भोई के डबोक स्थित स्विमिंग पूल वाले रिसोर्ट में पार्टी बनाई। हालांकि संबंधित पार्टी को लेकर पार्षदों के एक सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भी वायरल किया गया, जिसमें साफ इंगित किया गया कि सभी को स्विमिंग ड्रेस लेकर आना है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह उदयपुर शहर में बेहतर पत्रकारिता का डंका बजाने वाले दिग्गज पत्रकार के यूट्यूब न्यूज चैनल के माध्यम से हमें अवगत हुआ है। हालांकि संबंधित कथन शाब्दिक था, ना कि व्हाट्सएप पर जारी किया गया उस मैसेज का स्क्रीनशॉट। हालांकि उनकी बात मान भी ली जाए कि भाई बहन और माँ बाप समाज परिवारजन के मध्य इस तरह का वस्त्रविहीन होकर एक विदेशी प्रस्तुतिकरण देकर कौन सी फैंसी ड्रेस का प्रतियोगिता का आयोजन संबंधित पारिवारिक जन की होती जन्मदिन पार्टी के माध्यम से शहर की आम जनता को मैसेज देने का काम किया जा रहा था। हालांकि अपनी सफाई के तहत संबंधित शहर विधायक के मुख्य दावेदार ने अपनी संबंधित खबर को प्रकाशन करने वाले पत्रकार के परिवारजन को ही हाथ लेने से परहेज नहीं किया। हालांकि राजनीति की बात की जाए तो कहीं दिग्गज नेता अब आम जनता के एक वोट से राजनीतिक रणभूमि में धराशायी होते भी नजर आए हैं। ऐसे में विधायक के दावेदार को आने वाले चुनाव को लेकर अपनी जीत के संदर्भ में इतना भी मशगूल नहीं होना चाहिए कि वह जिसे अपने बचाव के तहत आड़े हाथ ले रहा है वह उसी के वोट न मिलने से पराजित हो जाए। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा, ओ पर बैठा क्या जाने, ओ पर बैठा क्या जाने, इंसानों पे क्या गुजरी। अभी थोड़े दिन पूर्व हमारे महापौर जी ने हमारे पार्षद परिवारजनों की और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भाई बहनों की पिकनिक रखी थी, और वहाँ पर जब हमने मैसेज वायरल किया, मैसेज दिया, उसमें यह भी था कि वहाँ पर स्विमिंग पूल भी है, छोकालाल जी की हमारे पार्षद है, उनकी वाड़ी है, रिसोर्ट है, और वहाँ पर नहाने का जो कपड़े होते हैं वो भी साथ में लेके आए। हम हमारी बहन बेटियों के साथ में वहाँ पर गए थे, हमारी बहनें थी, हमारी पार्षद बहनों के साथ में हम वहाँ पर गए, हमारी पूर्व पार्षद गीता जी पालीवाल जो हमारी माँ के बराबर है वो भी वहाँ पर उपस्थित थी, युधिष्ठर जी भाई साहब उपस्थित थे, और वहाँ पर सुबह से शाम तक का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के अंदर स्विमिंग पूल के अंदर नहाना मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात है नहीं है, और कुछ लोग इसको गलत दृष्टि से देखकर अगर न्यूज बनाकर वायरल करते हैं, उपमहापौर पद की बात करते हैं, तो शायद मेरे ख्याल से उनको ये पता नहीं है उनके परिवार में माँ बहन बेटियाँ नहीं होती है। मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है कि सभ्यता को ध्यान में रखते हुए ही हम सब काम करते हैं, और जो काम ऐसा करते हैं वो शायद उनके परिवार में अपनी बहन बेटियाँ या अपने माँ बहन बेटियों का ध्यान नहीं रखने वाले लोग होंगे, ऐसे वीडियो वायरल करने वाले व्यक्ति, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है।